भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मां अन्नपूर्णा ने नारी को ये वरदान दिया था कि गृहिणी को घर का पोषण करने का अधिकार प्राप्त है। स्त्रियों की पवित्रता देश और समाज के लिए एक वरदान है। शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि जहां नारी की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं। धर्म, समाज और सभ्यता को बचाए रखने के लिए स्त्री का पवित्र रहना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि स्त्री इन सभी के केंद्र में है। एक सगुण आचरण वाली स्त्री घर के सभी सदस्यों के बीच हमेशा सामंजस्य बनाकर रखती है, उन्हें एकता के सूत्र में पिरोए रखती है। आज हम वैदिक काल के समय में मौजूद भारतीय संस्कृति की सुप्रसिद्ध दिव्य पंच सती स्त्रियों के विषय में जानेंगे, जिनकी पवित्रता और पतिव्रता धर्म की मिसालें युगों युगों से दी जाती आ रही हैं। मान्यता है कि इनका नित्य प्रातः स्मरण करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ये महान स्त्रियां हैं अनुसुईया, द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी। चलिए जानते हैं क्यों इनके पतिव्रता धर्म का वर्णन आज भी किया जाता है। अनुसुईया। महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया का नाम पतिव्रता स्त्रियों में सबसे ऊपर लिया जाता है। इनके पतिव्रता धर्म के आगे तो देवता भी हार गए। एक बार त्रिदेवी अर्थात देवी लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती में इस बात की बहस छिड़ गई कि संसार में सबसे अधिक पतिव्रता कौन है। अंत में तीनों की सहमति से ये प्रश्न नारद जी से पूछा गया। तब उन्होंने उत्तर दिया कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। देवियों के हट पर त्रिदेव देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने चले गए, और जब देवी अनुसुईया भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी तो त्रिदेवों ने एक शर्त रख दी कि यदि देवी अनुसुईया को उन्हें भिक्षा देनी है तो वह अपने संपूर्ण वस्त्र उतार दें, तभी वह भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुईया सोच में पड़ गई, क्योंकि ब्राह्मणों को द्वार से लौटाना पाप था। इसलिए उन्होंने अपने सतीत्व के प्रभाव से त्रिदेवों को अबोध बालक बना दिया और उन्हें भिक्षा में स्तनपान कराया और त्रिदेवों के अंश से एक पुत्र की भी प्राप्ति की। माता अनुसुईया ने देवी सीता को भी पतिव्रता का उपदेश दिया था। द्रौपदी। द्रौपदी का दूसरा नाम यज्ञ सैनी भी है, क्योंकि वह यज्ञ द्वारा अग्नि से उत्पन्न हुई थी। वह पांचाल नरेश द्रुपद की कन्या थी और एक प्रतियोगिता में उन्होंने अर्जुन का वरण किया था। अर्जुन और अन्य पांडव भिक्षा मांगने के उद्देश्य से उस दिन कुटिया से निकले थे और द्रौपदी को लेकर अपनी माँ के पास वापस लौटे। जब अर्जुन ने ध्यान में मग्न अपनी माता से कहा, देखो माँ, हमें आज क्या दान मिला, तब कुंती ने उसी अवस्था में अनजाने में ये बोल दिया, जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ अपने भाइयों के साथ बांट लो। बाद में ये ज्ञात होने पर कि भिक्षा कोई वस्तु नहीं वर वधु के रूप में है, कुंती को अत्यंत दुख हुआ। किंतु माता के वचनों का मान रखने के लिए द्रौपदी ने पांचों पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया और सभी के प्रति अपना पत्नी धर्म पूर्ण निष्ठा से निभाया। सुलक्षणा। लंकापति रावण का पुत्र इंद्रजीत केवल बल का ही धनी नहीं था, बल्कि भाग्य का भी धनी था।
जो उसे सुलक्षणा जैसी पत्नी मिली थी। उसी के सतीत्व से वह इतना बलशाली था कि इंद्र लोक भी जीत गया था। लक्ष्मण के मूर्छा से जागने के बाद अगले दिन जब मेघनाद युद्ध करने आया तब उसे उसकी पत्नी ने रोका था, किंतु वह नहीं रुका और उसकी मृत्यु हो गई। मेघनाद की चिता पर ही सुलक्षणा भी सती हो गई, इसलिए इन्हें भी 5 सतियों में गिना जाता है। सावित्री। सावित्री को कौन नहीं जानता, उन्हीं के नाम तथा सतीत्व पर आज के समय में भी स्त्रियां वट सावित्री का व्रत करती हैं। सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी और ये जानते हुए भी सावित्री ने उनके साथ विवाह किया। और जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए तो सावित्री के सतीत्व के आगे उन्हें भी हारना पड़ा और सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। मंदोदरी। रावण की पत्नी मंदोदरी एक ऐसा चरित्र है जिसे सदा कम आंका जाता है, किंतु मंदोदरी भी उन 5 सतियों में शामिल है जिनमें कई महान स्त्रियां भी अपनी जगह नहीं बना पाई। मंदोदरी अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थी। वह सदैव रावण को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती थी और बुरे कामों का विरोध भी करती थी, किंतु रावण ने अपनी पत्नी की कभी नहीं सुनी और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। इन 5 स्त्रियों का प्रातः काल स्मरण अत्यंत शुभ माना जाता है, अतः आप भी नित्य इन पवित्र स्त्रियों का नाम जरूर स्मरण करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।